स्वागत है आपका देवभूमि दर्शन पर। उत्तराखंड में बीते चार दिनों से हुई भारी बारिश ने काफी कहर बरपाया है। इस दौरान जहां सभी नदी नाले उफान पर चल रहे हैं, वहीं इसी बीच कोसी नदी का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है। नदी का रौद्र रूप देखकर मानो किसी बाढ़ सा प्रतीत होता है। रामनगर में कोसी नदी के जलस्तर बढ़ने से माँ दुर्गा का प्रसिद्ध गिरिजा देवी मंदिर भी जलमग्न हो गया है। पानी के तेज बहाव में मंदिर की सीढ़ियां भी बह गई और मंदिर परिसर के पास लगी प्रसाद की दुकानें भी पानी में डूब गई। गिरिजा देवी मंदिर के पुजारी मोहन चंद्र पांडे ने बताया कि बाढ़ से मंदिर के सुरक्षा के लिए तलहटी पर बनाया गया तटबंध भी क्षतिग्रस्त हो गया और मंदिर से नीचे उतरने वाले पुल की सीढ़ियां भी बह गई। फिलहाल मंदिर सुरक्षित है। वहीं मंदिर के पुजारी का कहना है कि मंदिर का मिट्टी का टीला पूरी तरह सुरक्षित है, क्योंकि मंदिर को तीनों ओर से पहले से ही तिरपाल से पूरी तरह ढक दिया गया था ताकि पानी अंदर न जा सके। वाकई मंदिर परिसर के बीच में कोसी नदी के इस रौद्र रूप को देखकर फिर से आंखों के सामने 19 अक्टूबर 2021 के भयानक बाढ़ का वो मंजर तैरने लगता है। वहीं मंदिर के पुजारी मोहनचंद पांडे ने बताया कि मंदिर को अभी श्रद्धालुओं के लिए बंद किया गया है, क्योंकि मंदिर परिसर में काफी मलबा अभी तक जमा हुआ है। और आप देखिएगा मेरे चारों तरफ पानी पानी हो रहा है कोसी नदी में, अभी बहुत ज्यादा पानी बरसेगा। वहीं लगातार बारिश की वजह से रामनगर बैराज का स्तर भी खतरे के निशान से काफी ऊपर निकल गया, जिसके चलते कोसी नदी में 18,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके चलते जिला प्रशासन ने नदी किनारे गांव में अलर्ट कर दिया। प्रशासन द्वारा ग्रामीणों से कोसी नदी की ओर न जाने की अपील की जा रही है। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।